अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? संविदा क्योंकि 3-2-1 प्ले हो गया। ये पकोला बोतल है कराची की मशहूर, ये इनकी दुकान में कैबिन बोलते हैं, हमारे उधर दुकान बोलते हैं। तो ये हमारे हम कस्टमर हैं, ये दुकानदार हैं। तो हमने ये पकोला बोतल ली है, हम अभी इसका पीकर हम इसका टेस्ट देखेंगे, अच्छा लगा तो हम ये ले इधर से पैक पूरा ले के जाएंगे अपने पंजाब में। सारा कंपटीशन रिकॉर्ड करके वीडियो बना के सब दिखाऊंगा, ट्राई करें साथ रहिएगा। फर्स्ट टाइम है व्लॉग का, तो सपोर्ट होगी तभी नेक्स्ट व्लॉग आएगा। बस नहीं गाइस, आज की नई वीडियो। मैंने कपड़े चेंज किए हैं, फिलहाल ये वाला सही नहीं था, देखा कपड़े चेंज करनी है। मैंने रेड ड्रेस में मेरी आज मैं लड़के मिलने आ रहे हैं कराची के हैं, शजाम पूनम वगैरह, जिन्हें आपने यूट्यूब टिकटॉक पर देखा हुआ, सही है। अभी फिलहाल मैं अर्जुन भाई हूँ और इंशाल्लाह आज के दिन की हमारी वापसी होगी। आज के दिन हमारा फाइनल्स है, फाइनल्स होने के बाद हम देखेंगे। यार तू ही खाओ। ओए नहीं सही है यार, है तो सही है। आज फाइनल्स खेलने गए हैं, मुझे अब भूख लग गया, आपको पता है जो मैंने आपकी बिरयानी मिस कर, अब खाऊंगा बिरयानी। डिब्बे बड़े हैं बड़े हो गए, एक डिब्बा निकाल लेते हैं, एक डिब्बा निकाल, डिब्बा निकाल के आराम से बैठ के इसे ऐसा कहते हैं कई लोग कि काम कम और बातें ज़्यादा करते हो आप, लेकिन हमें उससे कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें हमारा रब जानता है कि हम काम भी साथ साथ। अब ये वाली सड़क है, ये जो सड़क है ना सिंगी वाली, ये वाली सड़क डो है, ये वाली सड़क पे आप ऊपर जाते वक्त मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही हमने स्लाइड लेनी है ना, तो स्लाइड पर टर्न बड़ा कमाल का है। नहीं तो अभी आपको ना मैं एक डेमो दूँगा, वो डेमो से अगर आपको समझ आए तो सही है, वरना मेरी गेम तो होगी उसके साथ, सही है। यहाँ से स्टार्ट यार, देखते हैं यहाँ से मैं स्पीड लेफ्ट राइट पे जाऊँगा, लेफ्ट पे जाऊँगा, राइट पे जाना पड़ेगा, लेकिन रिवर्स जाना पड़ेगा, देखता हूँ चिकन आ जाना। लेकिन मतलब कि सड़कें पैसा नहीं लगता,
हमने मैंने रात को निकला किंग के साथ, तो मिस मत कीजिएगा सारी वीडियोस देखिएगा। ये ना समझिए कि छांट तो नाग है, नाग में ऐसे ही वीडियो, लेकिन थोड़ा टाइम दें मैं आपको हर अच्छा यहाँ से हम एंट्री लेते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है ये लिखा है, नजर आए पाकिस्तान ये कहाँ लिखा है। यहाँ ना पाकिस्तान के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन होती है ना वो बनते हैं। चलो आपने कुछ भी करना है ना, किसी किस्म की खेल में आप एक्टिविटी में आप एक्टिव हैं, तो सबसे पहले आपको इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने क्लब ओपन करना है नोटिफिकेशन लेटर जारी करेंगे उसके बाद। पता लग गया ना उन्हें इतने की तरह से डिगना भी, फिर मैं तेन वीडियो सेंड कराँगा फिर तू हसेगा। बस इस जगह पे चलाने हैं तुम्हें। अच्छा ब्रेक बताओ। ब्रेक नहीं है इसमें, ब्रेक उतार दी। आएगा वो बताएगा।
हाँ यहाँ चलाओ सीधा, वो कुत्ते को डरा के। ब्रेक ऐसे लगानी, ब्रेक नहीं ऐसे लगेगी तुमसे अभी ऐसी। हाँ ऐसी नहीं, वीडियो चाहे ना बनाओ वीडियो, अभी गिरना है ना यार तुम्हें, कुत्ते के ऊपर से जंप लगाओ। जंप ये दो पैर सीधे हैं, चलाने आते हैं ना। लेफ्ट वाला पाँव ना पीछे कर देना ऐसे, स्लाइड करना था ऐसे। हाँ हाँ सही है। एक ब्रेक फुल, अगला क्लच घुट के पिछली ब्रेक लानी होए या सदम ब्रेक एन जी है। हाँ है एन जी नहीं आ रही था यार, सही गया ना। मैं जो पीछे लुआई ही ना वाले हील ब्रेक ਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਲਾਨੇ ਹਾਂ। 200 ਯਾਰਡ ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ, ਮੈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸ਼ੁਐਬ। 3-2-1 ਪਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਮੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਹਮ ਕਰਾਚੀ ਮੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਅਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੇ ਬਜ ਰਹੇ ਹੈ 1, और हम पागलों की तरह चोरियां कर रहे हैं स्केटिंग पर, पागलों की तरह कुत्तों की तरह ख्वार हो रहे हैं हम पुल के ऊपर। और कहाँ ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कराची में स्टेडियम है, स्टेडियम के बिल्कुल सामने पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, वहाँ हम पुल के ऊपर गेम कर रहे हैं। और कब से हम निकले हैं, तकरीबन हम 11 बजे से निकले हुए हैं, ठीक है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम ये पुल के नीचे जा रहे हैं, ये सेम अपने पंजाब की तरह पिंडी वाईफाई की तरह पुल बना हुआ सेम काफ़ी है। तो आज हम खुदाई करेंगे पुल की, तो चले आप हमारे साथ। तो गाइस आप देखिए हमारे साथ बहुत से लोग हैं, ये कराची में माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है हमारी, लेकिन मैं कराची से नहीं हूँ इतना बता दूँ, लेकिन कराची की जुबान समझ गया हूँ। तो गाइस मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, तो आप देखिए इंशाल्लाह ये बोला कि यार मोबाइल की लाइट नहीं है, अंधेरा आ रहा, गाड़ी आ जाए भाई। और वाकई अंधेरा आ गया, कुछ ही नहीं नजर आ रहा, घंटा नजर आ रहा है, घंटा घर वाह खुदा कसम से इतना अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई साहब, ख्याल करें कि हम गिर जाएंगे। पूरा अंधेरा आ रहा, तो भाई साहब पीछे देखिए एक बाइक आ रही है, तो हमें थोड़ी सी लाइट अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप, ठीक हैं। सो मेरा नाम है शुएब, तो मैं कराची से बात कर रहा हूँ। तो ये मेरी कराची की फेवरेट बोतल है, ये क्या नाम है इसका, पकोला। ये वो पकोला है कि पूरे पंजाब में नहीं मिलती, तो ये कराची में मिलती है। ये मेरी स्ट्रिंग पेप्सी कोई भी कोल्ड ड्रिंक उससे सबसे बेस्ट बोतल है ये मेरी पकोला। तो आप जब भी कराची आएँ पकोला का ज़रूर पिएँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मैं यार गाइस आप देखेंगे इतना इतना जंगल या बांध हो रहा है यहाँ, ना बंदा ना बंदे की जात है यहाँ, बहुत खुदा इतना डर लग रहा है ना यहाँ पे। तो मेरी आँख के अंदर ये देखिए मेरे पसीने के पानी अंदर जा चुके हैं बहुत, तो मेरी आँखें ख़राब हो रही हैं, देखें इतना पसीना आया हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस ये देखिए मुझे कितना पसीना, तो अब मैं यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा गाइस, देखें ये पकोला की बोतल है, तो मैं वहाँ से आऊँगा ब्रेक लगाऊंगा। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल का तजर्बा है माशाल्लाह, तो मैं इसको गिरने नहीं दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 3-2-1
पीले हो गया। माई टिकटॉक आई डी शोएब स्केटर 2। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारा टैलेंट है माशाल्लाह। ये हमने बोतल को नहीं गिरने दिया। अरे ये पकोला मेरी हो गई, सुनील भाई से मैंने ली है। अब गाइस देखिए, ये लड़का हमें देखकर हमारे पीछे आ गया, हमसे बोलेगा हमें स्केट दे। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। नहीं नहीं गाइस, ये देखिए बहुत बच्चे होती है कला गाइस, मेरे शापर गाइस ये दोनों मुझे छोड़ के यहाँ चले गए हैं। इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ये चलाने नहीं आते, तुम्हें तरीका नहीं आता। दोनों मुझे ना, अबे भाई ये बकचोदिया कर रहा है, अबे इसकी बात पे यकीन मत करो यार, ये बहुत झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे ना बस चूना लगा के दोनों चले गए। चूना क्या होता है भाई? गाइस पहले किसने ये पूछा ना, मुझे प्रैक्टिस करवाई है और फिर ये चले गए। कह रहे थे नहीं हम बड़े बड़े प्लेयर है, ये है वो है, ऐसे मुझे इसकी तरफ देखिए, ये इसको स्केट चलाने नहीं आते। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? जो हमारी वीडियो बना रहा है इससे पूछो भाई, सच बताओ, सच बताओ, इधर आओ, सच बताओ, मुझे छोड़ के चले गए थे ना? नहीं नहीं भाई, बच्चों का साथ यार, बच्चों का साथ नहीं ना। नहीं बच्चों, मैं बच्चा हूँ, बड़ी बात है। इधर कराची में आ गया हूँ फाइट करने के लिए और तुम्हें अभी बच्चा लग रहा हूँ। एक स्टंट है, एक वीडियो बनानी है। अस्सलाम वालेकुम, हम 3 दिन हो गए हैं इधर कराची में आए हैं और यहाँ पर चैंपियनशिप हो रही है पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA नेशनल, जो हम आपको दिखाते हैं कहाँ हमारी फाइट हुई है। और चलें हमारे लिए दुआ करें, हम कहीं हम जा रहे हैं तो हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं। हमारे लिए दुआ करना कि हम जरूर जीते इंशाल्लाह। गाइस आप देखें, आप देखते जाए हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे अंदर जाके। ये देखें तो भाई, आप इनको पढ़ के भी तो बताए ना क्या लिखा हुआ है। नेशनल MMA चैंपियनशिप 2023 कराची। ओके, और इसके बाद हम अंदर जाएंगे।
वाले भाई को बताओ सारा सामान उनके पास, ये वाले भाई को इधर ही है इसके। ये भी नहीं है सर, मेरे मुझे टच ना करो, मैं कह रहा हूँ टच ना करें। इतना देख रहा है उसने, एक पंच मारने वाला हसन नदी मार दे हसन फाइट। ओह नो, ये देख ये बंदा ग्रैब नहीं कर रहा। अच्छा ग्रेप ना पाया, वो बड़ा क्या, वो नॉकआउट करने के चक्कर में सबमिशन नहीं करना यार। बड़ी गंदी जल्दी आ, जल्दी आ, करना है कुछ फिर नहीं, मैं बस ऐसे ही आऊंगा। नहीं किसी लिए ऐसे क्यों आएगा तुम, बस यही लाना, करीब आओ मोबाइल ये ले। सही कर, अब घूम जा, मुझे ये पीछे भी ले जा। मैं कह रही के अंदर बाहर आ गया भाई, ए वन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे हम कराची किस मकसद के लिए आए हैं। कराची हम इस चीज़ के लिए आए हैं, पाकिस्तान चैम्पियनशिप नेशनल मैच है 2023 का, MMA फाइट का, सही है।